शुरू करें, इतने ही माइक चेक करते रहे। विश्व को शांति का उपदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए भारत की राष्ट्रीय क्रांति के अग्रदूत सावित्री बाई फुले जी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले जी, नव जागरण के अदूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी, आज जिनके समारोह में हम सब इकट्ठे हुए हैं, वो ऐसे विश्व ज्ञान के प्रतीक, प्रखर समाज सुधारक, भारत के राष्ट्र के निर्माण की नींव रखने वाले और भारत के इतिहास को बदलने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, हमारे सारे पुरखे जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए, इस समाज का सुधार करने के लिए भारत में निर्माण की नींव रखी, उन सभी मेरे पुरखे पुरखनों को मैं याद करती हूँ, नमन करती हूँ। आज के इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की 130वीं जयंती के जो समारोह, तमाम वो लोग जो कई दिनों से इसमें लगे हुए हैं, समारोह समिति हल्द्वानी और इसमें भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गार्ड वो ये जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो इस समारोह को सफल बनाने के लिए लगातार दिन रात लगे हुए थे, वो तमाम लोग आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदेश जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला जी, विशिष्ट अतिथि, अच्छा ये पुराना है, ये रखिए फिर आप, माफी के साथ, संरक्षक मंडल जे आर टाटा जी, संयोजक मंडल, तमाम आयोजक मंडल, सबका नाम अगर मैं छूट रहा हूँ, हालांकि मैं समय के अभाव को देखते हुए छोड़ना भी चाहती हूँ, क्योंकि बार बार सब हम सब एक दूसरे से परिचित हैं, वो तमाम लोग जो इस आयोजन का हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के इस अस्वर्णीय विस्मरणीय दिवस पर इकट्ठा हुए हैं, जिनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, जो उन्होंने सपना दिखाया था, उस सपने को साकार करने का थोड़ा सा भी जज्बा है, वो ऐसे तमाम भाई बहन और मेरे युवा बहनों साथियों, आज का जो हमारा जो दिवस है वो न केवल आज के लिए है, बल्कि भारत हमेशा हमेशा के लिए उसका ऋणी रहेगा, न केवल ऋणी रहेगा बल्कि भविष्य भी, जो इतिहास की नींव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो रखी है, उस इतिहास की नींव पे न केवल दलित बहुजन समाज बल्कि भारत का हर एक को नागरिक, जो आजाद भारत का सपना देखता था, जिन्होंने आजाद भारत के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, और जिस संविधान के तहत आज भारत का हर एक नागरिक चलता है, संस्थाएं चलती हैं, यूनिवर्सिटी चलती हैं, पार्लियामेंट चलती है, न्यायपालिका चलती है, वो संविधान निर्माता जिनके पास जितनी भी उनकी हम प्रशंसा करें, जितना भी उनके सागर को हम देखने की कोशिश करें, वो हमारे बूंद की तरह है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करती हूँ कि जब जब मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ती हूँ, उनका उतना ही गहन अध्ययन, ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात उनकी, हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अपने गुरुओं में से ज्योतिबा फुले और महामना कबीर जी को मानते थे, लेकिन मेरी नजरों में उनके साथ साथ उनका जो सबसे बड़ा जो गुरु था, वो था उनका भोगा हुआ यथार्थ, ऐसा यथार्थ जिन्होंने एक छोटे से बालक को न केवल भारत का बल्कि विश्व का ज्ञान का प्रतीक बना दिया। वो छोटा सा बालक जिसने हर तरह का शोषण देखा, उत्पीड़न देखा, भूख देखी, नंगे पैर चला, हर तरह के शोषण को जिसने सहन किया, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, ऐसे वो महामना आज हमारे बीच में नहीं है, नहीं होते हुए भी आज इतने लोगों के दिल में है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं दो दिन से, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन सवाल वहीं से शुरू होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, हमारे अपने भी पूर्वाग्रह, इस
को अगर इस वाले को दे दो तो थोड़ा ठीक रहता। हमारे जो अपने भी पूर्वाग्रह है और हमारे अपने किस तरह के पूर्वाग्रह, हम उनको ये मानते हैं कि हमारे केवल हमारे केवल दलित बहुजन के हैं, इससे हम कहीं ना कहीं उनके कद को थोड़ा सा छोटा कर देते, कहीं ना कहीं हम उनके कद को छोटा करते। क्यों? क्योंकि वो केवल दलितों और बहुजनों और केवल महिलाओं के मसीहा नहीं थे, बल्कि भारत के राष्ट्र के निर्माण की एक वो ऐसी नींव थे जिन्होंने इतिहास को बदल दिया था। वो भारत जो स्मृति से चलता था, वो भारत जो धर्मशास्त्रों के आधार पर चलता था, उस भारत को बदलने का, उसके भविष्य को निर्माण के कर्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनकी जयंती आज हम 130वीं मना रहे हैं। उनका भोगा हुआ यदार्थ, जो यथार्थ उन्होंने, जो ललक जो उनके अंदर पैदा हुई पढ़ने, मैं बता दूं आपको साथियों, शिक्षा केवल आपके कैरियर को नहीं बनाती। मैं युवा साथियों से ये निवेदन करूंगी, खासकर शिक्षा कैरियर नहीं बनाती, केवल बनाती है, कैरियर भी बनाती है, लेकिन केवल कैरियर नहीं बनाती, बल्कि सवाल खड़े करना सिखाती है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जन्म से ही सीखा था। उनका विद्रोह, उनका व्यवस्था को परिवर्तन करने का जो जज्बा था, वो उनके अंदर बचपन से ही कूट कूट कर भर गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अक्षर ज्ञान सीखा था, और अक्षर ज्ञान जब किसी को आ जाता है, शिक्षित बनने की कगार की तरफ जब बढ़ता है कोई व्यक्ति, वह व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अभी हमारे पूजनीय मुख्य अतिथि वशिष्ठ अतिथि जी बोल रहे थे कि जो यूनिवर्सिटीज है, वो यूनिवर्सिटीज खुले दिमाग की होती है, सवाल खड़ा करना सिखाती है, व्यवस्था के ऊपर जो गलत है उसको गलत कहने का हौसला रखते हैं, जो गलत करने की निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करती है कि ये गलत करने की तरफ बढ़ा जा रहा है। आज का जो दौर है, मैं ये बता दूं कि वो आपको गलत करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन असल में गलत करने का निर्माण ही वो लोग सदियों के लिए आपका भविष्य तय करने में लगे हुए हैं। माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल एकदम सीधे शब्दों में कहना चाहती हूँ कि गलत की जो प्रक्रिया आज के दौर में जो शुरू हो चुकी है, आज आपको मैं खुशी के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी, आज कम से कम पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन समता के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कनाडा की गवर्नमेंट ने बाकायदा समता दिवस घोषित किया है, और आज वहां के यूनिवर्सिटीज में बाकायदा न केवल उनको मनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि उनको जानने की प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने, खासकर दलितों ने, हमारे अपने समाज ने, जो बहुजन समाज है, उन्होंने मानना तो शुरू किया है, जो अच्छी है, अच्छी बात है। मैं इसको गलत तरीके से भी देखती हूँ, मैं इसको अच्छे तरीके से देखती हूँ, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को मानना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम जानने की प्रक्रिया तक भी नहीं पहुंच सकते। जब मानेंगे तब आप जानने की प्रक्रिया का एक दौर, उस दौर से आप गुजर रहे होते हैं। अगर आपने मानना शुरू किया है तो जानने की प्रक्रिया भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उत्पत्ति पैदा कर रही होती है, इसलिए जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा बंते जी ने कि पंचशील से शुरू करना चाहिए, लेकिन उस पंचशील के मायने क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या हम उनमें से कोई भी खरा उतरता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय ये बात होना कि प्रोग्राम किस तरीके से शुरू किया गया। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है, उस प्रोग्राम के जानने की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो सागर की तरह विशाल है, जिनका व्यक्तित्व नदियों की तरह अब है ही नहीं, नदियां तो हम भी नहीं बन पाए, हम तो छोटे 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 नाले हैं, जो कोशिश करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस सागर की तरफ जाने की ओर, लेकिन हम केवल एक प्रक्रिया में है, उसको उनको जानने के लिए एक बहुत बड़े समुद्र को आपको तैर कर पार करना पड़ेगा, तब आप उनके ज्ञान के समुद्र की पहुंच तक पहुंच सकते हैं। मैं बात वापस लेती हूं अपनी यूनिवर्सिटीज से। बिल्कुल सही कहा कि यूनिवर्सिटीज सोचने का एक जज्बा पैदा करती है, लेकिन आज के समय में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यूनिवर्सिटीज ही सबसे ज्यादा टारगेट पे है। मैंने कहा कि शिक्षा अगर शिक्षित होगा तो सवाल खड़ा करना शुरू करेगा, इसलिए सवाल कहाँ खड़े होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, जहाँ आप एक नई चीज सीखते हैं, जहाँ आपके पूर्वाग्रह खत्म होते हैं। एक साथी ने कहा कि दो तरह के हिंदू हैं, बिल्कुल है,
एक वो हिंदू है जो बिल्कुल कट्टर है, लेकिन एक वो हिंदू भी है जो आपको हिंदू बनाए रखना चाहकर आपको समरसता का पाठ पढ़ाता है, और उस पाठ में आपको साथ चलने की वो रीस करता है, साथ नहीं चल रहा होता क्योंकि उसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानना शुरू किया, जनवाना वो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि जनवाने के जो गढ़ है वो है शिक्षण संस्थान, और अगर हमारे शिक्षण संस्थान जानने के गढ़ होंगे तो आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम इतने से थोड़े से लोगों के बीच में है, वो एक राष्ट्र पर्व बना चुके होते। क्यों? क्योंकि वो उनके पूर्वाग्रह, वो जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो असली जो ज्ञान है, जो असली शिक्षाएं हैं, जो असली उनका जो सवाल खड़े करने का, और न केवल सवाल खड़े करने का बल्कि निर्माण की प्रक्रिया से गुजर कर उस निर्माण का, एक निर्मित जो भवन बन जाता है उस तक ले जाने का एक कारगर उपाय है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ, एससी कैटेगरी से था, तो उसमें जब प्रोफेसर का, सब जानते हैं कि प्रोफेसर सबसे बड़ी पोस्ट होती है, और जब प्रोफेसर बनते हैं तो जाहिर सी बात है जब प्रोफेसर बनेगा तो वाइस चांसलर भी बनेगा, और वाइस चांसलर और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में भी होगा, इसलिए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो जब कैटेगरी की वैकेंसी आई और प्रोफेसरशिप में क्योंकि रिजर्वेशन है ही नहीं, अब जाके रिजर्वेशन थोड़ा सा मिलने लगा है, और उस रिजर्वेशन में भी वो रिजर्वेशन एक तरफ से तो आपको दिखाया जा रहा है रिजर्वेशन है, लेकिन दूसरी तरफ से जो रिजर्वेशन मिलना जिस आधार पे चाहिए, जो पोस्टें जो निकलती हैं उसको ही बंद किया जा रहा है। जब आपके पास पोस्ट नहीं होगी तब आप रिजर्वेशन का करेंगे क्या? इसलिए ये नहीं कहा जा रहा कि रिजर्वेशन हम खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। रिजर्वेशन का भरसक सारे के सारे समर्थन करते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी पार्टी को, कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी विरोध नहीं करता क्योंकि वो जानता है जब वो सीधा शब्दों में विरोध करेंगे तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी इतने समर्थ तो हो चुके हैं कि 2 अप्रैल वो दोबारा दोहरा सकते हैं। सब जानते हैं, सबकी खबर है। अगर मैं यहाँ ये बोल रही हूँ तो आपको क्या लगता है कि किसी को खबर नहीं है कि मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हल्द्वानी की तरफ जाके बोल रही हूँ? सबको खबर है, वो गाना भी है ना, सबको खबर है। हाँ, तो मैं वापिस आती हूँ कि ये जो रिजर्वेशन का जो मिलनी चाहिए थी जिस आधार पर प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन ये ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं है और ना ही एरोप्लेन की रिजर्वेशन, ये प्रतिनिधित्व था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज को प्रतिनिधित्व दिया था कि ये समाज भी यहाँ प्रतिनिधि बनकर बैठेगा, उसे कहा गया है प्रतिनिधित्व, ना कि वो रिजर्वेशन दूसरे आधार वाला रिजर्वेशन, या फिर ये कहें कि गरीबी उन्मूलन अभियान का रिजर्वेशन। नो, रिजर्वेशन का मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं था कि वो कोई गरीबी उन्मूलन अभियान होगा। सरकारों ने बहुत सारे अपनी योजनाएं चलाई हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, यूपीए की सरकार हो या बाद की करंट सरकार हो, आर्थिक उदारीकरण की, और या तो कहिए कि गरीबी उन्मूलन के बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का अभियान कह दिया जाए ये गलत है। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है कि वो प्रतिनिधित्व है ना कि आरक्षण। तो मैं आम भाषा में हम लोग जो कहते हैं वो यही है। तो आरक्षण की सीट हुई, एक प्रोफेसर निकले, बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोफेसरशिप में क्राइटेरिया है, स्कोर चाहिए उसके लिए, तो हमारे एक तो क्राइटेरिया पूरा ही नहीं करते हमारे, चाहे किसी भी फील्ड के लोग, बहुत मुश्किल से रेयर, और जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाती हूँ उसमें तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने होंगे, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि इतने लोग होंगे संस्कृत पढ़ाने वाले। खैर, तो निकला, उसके बाद वो बाई चांस जो कैंडिडेट था वो इतना समर्थ था कि वो उसको एनएफएस नहीं कर पाए, एनएफएस इन द सेंस नॉट फाउंड सुटेबल। आजकल बहुत होता है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है और इंटरव्यू होता है तो उसमें सबसे बड़ा कारगर हथियार है वो ये कि हमें कोई कैंडिडेट योग्य नहीं मिला, योग्य नहीं मिला इसलिए उस पोस्ट को खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद रोस्टर के आधार पर उसको चेंज कर दिया जाता है, उसका नेचर ऑफ पोस्ट बदल के वो दूसरे कास्ट में चली जाती है पोस्ट। तो आप मुझे टाइम भी बता दीजिए, टीचर को बोलना बहुत आता है, यही सिखाते हैं कॉलेज में, और हमारा कोई काम भी नहीं है, बोलने का ही काम बना रहता है। तो इंटरव्यू हुआ, बोर्ड सहमत, और बोर्ड फंसा हुआ कि ना तो वो उसको ले पाए और ना उसको निकाल पाए। अब क्या हो, बीच का रास्ता कौन सा हो, क्योंकि एनएफएस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ ऑर्डर,
दूसरा ये कि क्योंकि एक ही कैंडिडेट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि अगर रिजर्वेशन कहेंगे, वैसे भी साथियों को पता होना चाहिए, कोई भी फील्ड हो, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और उसमें कैटेगरी का केवल एक ही कैंडिडेट अगर इंटरव्यू में पहुंचता है तो आपको वो लेना पड़ेगा। बाय लॉ कानून बना हुआ है, ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अधिकारों की जानकारी जब तक नहीं होगी, संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल में जो व्यवहारिकता है उसको व्यवहारिकता में लाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हमारी उस किताब में, जिस किताब को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उसमें अधिकार हमें दिए गए हैं वो है क्या है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये अधिकार है, हक है, मिलना चाहिए। तो क्या हुआ कि ना तो वो ना कर पाए ना हाँ कर पाए, उन्होंने क्या किया, जबकि दूसरी कैटेगरी का भी इंटरव्यू उसी दिन था, जनरल कैटेगरी का, तो उसने क्या किया, अगली बोर्ड मीटिंग हुई तो वाइस चांसलर ने फटाफट अपना जो जनरल कैटेगरी का था उसका लिफाफा खोला और अपॉइंटमेंट कर लिया, और वो जो एससी कैटेगरी वाला लिफाफा था वो साइड में कर दिया, इंटरव्यू जी ने किया। आज 5 महीने हो गए लिफाफा बंद, वाइस चांसलर उस लिफाफे पे लिखो, तो हम हमारी जब बात हुई, हम लोग जानते हो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग जब बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज की वजह, सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा सा खुलापन थोड़ा सा है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, मैं ये बता दूं आपको। आज मैं जो बोल रही हूँ हो सकता है अगले दिन बंद हो जाऊं। अब ऐसी स्थिति है क्योंकि अब इतने कानून लाए जा रहे हैं, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, डीयू जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ टीचर अपनी बेबाकी से बात कर सकता था, जहाँ आप सामाजिक कार्यों में भागीदारी कर सकते थे, जहाँ आप अपनी बात कहने का अधिकार रखते थे, वो अधिकार धीरे धीरे यूनिवर्सिटियों से छीना जा रहा है, और ऐसी ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है कि जो रिजर्वेशन पे बैठा हुआ भी टीचर है ना, जो पहले भी बोलता था बेचारा, मैं इस तरह की बात से थोड़ा सा पार्शली सहमत, पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसने धोखा दिया, मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल धोखा दिया है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल माफी के साथ कहूंगी कि मानती हूँ, इसलिए मांगती हूँ क्योंकि आप ये बताइए यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में टीचर जो रिजर्वेशन की जो पोस्ट आती है भरी तो जाती है ना, चाहे किसी से भी भरी जाए, और जब भरी जाती है तो इसका मतलब वहां पढ़ा भी रहा है कोई ना कोई, जब पढ़ा रहा है वहां तो वो लोग हैं कौन, फिर आपके ही होंगे ना एस सी के, चाहे वो ए बी सी डी कोई भी हो, चाहे बोलने वाला हो चाहे बिना बोलने वाला हो, चाहे इस कैटेगरी का हो या उस कैटेगरी का होगा, तो एस सी ना, अगर एस सी है और पोस्ट भी भरी जा रही है तो टीचर है कहाँ, क्यों नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज में जब बात होती है वो खड़े होते लड़के, क्यों नहीं जब एक टीचर को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है दूसरा टीचर उसके बराबर में आके बोलता। आप ये बताइए कि प्रमोशन के लिए आप दिन रात सेम करते हो, जब आपकी प्रमोशन नहीं होती तब आपको सारे याद आ जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले याद आते हैं, उससे पहले नहीं आते, बहुत सारा पढ़ा लिखा भी युवा वर्ग, खासकर जो युवा वर्ग है उनको पता नहीं बाबा साहब अम्बेडकर है, मैं बिल्कुल एकदम ये इस आधार पे कह रही हूँ, मैं सिर्फ अल्दवानी में नहीं आई, कोना शायद ही ऐसा कोना बचा होगा जिसमें मैं अभी तक बोलने के लिए नहीं गई, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं फील्ड वर्क है, और फील्ड वर्क के आधार पर मैं ये बता रही हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी करने वाले, आपको पता है ना यूपीएससी की कितनी सीट है, हर सकती है, उसमें से पास भी होते हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रशासन जो बनता है यूपीएससी का कहा जाता है, आपने देखा आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कितने आईपीएस ऑफिसर संबोधन कर रहे होंगे, क्यों क्यों नहीं दिखाई देते, आखिर अधिकार तो हमें इसी से मिला है ना, अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ खड़ी थोड़ी ना होगी, गोबर बटोल भी होती कहीं गाँव में, और बहुत सारे कर ही रहे हैं यही काम, मेरी ही हम उम्र की लड़कियां हैं आज भी मैल उठाने का काम करती हैं हरियाणा में, आज भी झाड़ू पोछा बर्तन करके ही अपनी जिंदगी गुजारी है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जिनको अवसर मिल रहा है और अवसर मिलने के बाद जिनको पोजीशन मिलती है और पोजीशन मिलने के बाद जो समाज के लिए काम कर सकते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहे हैं, वो कम से कम ऐसे डिसीजन दिलवा सकते हैं सरकार में रहते हुए ब्यूरोक्रेट्स होते हुए कि जो रिजर्वेशन के ऊपर प्रहार होता है, जो न्यायपालिका में आज तक हमारी रिजर्वेशन नहीं मिल पा रही, जो तमाम रोस्टर के माध्यम से जो रिजर्वेशन का खत्म करने का खेल है, जो निजीकरण का है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए क्या भागीदारी कर रहा है आगे, सवाल मेरा यहाँ है,
इसलिए मैंने कहा कि मैं पार्शली इस बात से सहमत हूँ कि पढ़ा लिखा वर्ग, और माफ कीजिएगा मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ कहते हुए भी, लेकिन कहूंगी जरूर, मेरी आदत है। वो ये कि हमारे, आपको पता है, हमारे जो लोग हैं ना, जो प्रशासन में होते हैं या बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं, वो सामाजिक क्रांति कब करते हैं? तब करते हैं जब रिटायर हो जाते हैं, जब उनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो नहीं लगवा सकते चपरासी तक में, बहुत सही बात, वो तब उनको याद आता है समाज में काम करना। और मैं, मेरे भाइयों ने, इन्होंने जो मुझे सम्मानित किया है, अपने वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, मैं जब सम्मान किया जा रहा था, मैं एक बात सोच रही थी, बता दो जी। मैं ये सोच रही थी कि अभी तो मेरे को ये सम्मान कर रहा है, जब मैं बोलना शुरू करूंगी ना वाल्मीकियों के ऊपर, तब ये यूं ही कहेंगे कि ये क्या कर दिया। अब मैं वहीं पे आ रही हूँ, और वो ये कि सबसे ज्यादा जितने भी लोग रिजर्वेशन से निकल के आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो कायापन दिखाया जा रहा है समाज के अंदर, एक ये खास वर्ग भी है, और उसको, उस वर्ग में अंबेडकर बाद में याद आता है, दूसरे ज्यादा याद आ रहे हैं। और मुझे इसमें दिक्कत नहीं है कि दूसरे क्यों याद आ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज यहाँ जो आपके कार्यक्रम की जो सबसे ज्यादा सुंदरता मुझे लगी वो ये कि हर धर्म के लोग यहाँ पर शामिल है, स्त्रियां शामिल है, बच्चे शामिल है, युवा वर्ग शामिल है, तमाम समुदायों का प्रतिनिधित्व मैंने यहाँ देखा। मैं इसके लिए आपसे, आपको साधुवाद देती हूँ, और सच में मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। ये ऐसा समारोह मैं बहुत कम देखती हूँ कि जहाँ दलित समाज के अलावा जो हमारा, जो तमाम दूसरे वर्ग है, SC ST OBCs भी, सारा का सारा जो प्रशासन भी है वो भी भागीदारी कर रहा हो, जो नौकरी पेशा लोग है वो भी भागीदारी कर रहे हो, और ये अब बढ़ता जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं हमेशा पॉजिटिव देखती हूँ, खराब चीज में से भी पॉजिटिवनेस मुझे नजर आती है। तो मैं वाल्मीकि समाज पर बात कर रही थी, उनको वाल्मीकि धर्म तो दिखाई देते हैं, आप देखिए, एक मैं छोटा सा सवाल यंग लोगों को बोल रही हूँ, महर्षि वाल्मीकि, उनके हाथ में कलम है, हम सब जानते हैं, मंदिरों में आपके यहाँ वाल्मीकि के ऋषि की मूर्ति होगी, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, आपने कभी देखा? उसमें लिखा हुआ है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये लिखा हुआ है, आपको पता ही किस भाषा में? अरे भाई, संस्कृत में लिखी हुई है रामायण, तो ये तो रामायण में संस्कृत, वाल्मीकि ने जो लिखी है रामायण वो तो संस्कृत में है, और ये जो शब्द है ये तो संस्कृत के है ही नहीं, ये तो अवधी भाषा के, हिंदी के नहीं, अवधी भाषा के, और किसके है पता है? रामचरितमानस के, गोस्वामी तुलसीदास के। तो ये घालमेल है, इसलिए मुझे इससे बड़ी दिक्कत होती है। वो ये, आप ये बताइए, तस्वीर तो आपकी वाल्मीकि ऋषि की, वर्डिंग जो लिखी हुई है, जो जैसे हम देख रहे हैं ना, सबसे पहले कहां ध्यान जा रहा है हमारा? ध्यान सबसे पहले जाता है ज्ञान के प्रतीक दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, विश्व ज्ञान पुरुष, भारत रत्न, हमें बाद में तस्वीर दिखाई देगी, ठीक है, वहां भी ये लिखा होगा, फिर तो लिखा हुआ ना मोटा मोटा शब्दों में, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन। देखिए, तमाम मंदिर देखे हैं मैंने वाल्मीकियों के, ऐसा नहीं है मैं वाल्मीकियों से दूर, मैं आपको बता दूं, मैं जिस समाज में पैदा हुई हूँ उस समाज में बात करने का मेरा न केवल कर्तव्य है बल्कि मेरा धर्म भी है। क्यों? क्योंकि इस समाज की जिम्मेदारी भी मेरी भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि हम हमारे हर एक तबके के ऊपर बात कर ली, वो चाहे महिला जनरल कास्ट की क्यों ना हो, इसलिए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, और हम क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो गलत है उसका हम न केवल विरोध करें बल्कि उसको समझे तर्क के आधार पर। गौतम बुद्ध ने यही तो कहा था कि उस बात को मानो जो आपकी ज्ञान की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर खरा उतरती है। आपके ज्ञान की कसौटी पर क्या ये खरा उतर रहा है कि आपकी वर्डिंग तो गोस्वामी तुलसीदास की तस्वीर लगा रखी है आपने महर्षि वाल्मीकि की, और आप उसके गुरु मान रहे हैं महर्षि वाल्मीकि को, और वो गुरु जो संस्कृत पढ़ रहा था उसने संस्कृत में रामायण लिखी, वो उसके हाथ में कलम, आपके हाथ में झाड़ू, आपको संस्कृत नहीं आती ना आपको रामायण पढ़नी आती, संस्कृत की रामायण बता दीजिए मुझे कितने लोगों ने यहाँ पढ़ी है। इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि हमारा गुरु है, मान लीजिए गुरु है, मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रही, मैंने कहा ना कि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज को देखती हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आप उसको अगर अपना गुरु मान रहे, लेकिन उस गुरु की
बात भी तो मानी है, उनके हाथ में तो कलम है और कलम वो जिसने भारत का संविधान भी लिखा है, कलम से लिखा गया है ना। अगर अगर कलम में इतनी ताकत है जिसने वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, और अगर कलम में इतनी ताकत है जिसने भारत के भविष्य को बदल के रख दिया और संविधान लिखा, और वही कलम में इतनी ताकत है कि आज हम यहाँ सब जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो हमारा अशिक्षित वर्ग भी है, इसी कलम के दौर पर हम यहाँ बैठे हैं, और मैं आज जो यहाँ बोल रही हूँ मैं इसी कलम के दौर पर बोल रही हूँ। अन्यथा भाइयों, मैं भी सफाई कर्मचारी की बेटी हूँ, सफाई कर रही होती। मेरा अनुरोध इतना ही है कि समझिए कि जब आप इस पे खड़ा उतरे, आपके हाथ में झाड़ू है तो वो झाड़ू क्यों है? आपके मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत की तकदीर लिखी, उनके हाथों में तो कलम है, और आप जिसको गुरु मान रहे हैं उनके हाथों में भी कलम है, तो आपके हाथ में ये झाड़ू आई कैसे? कुछ तो रीजन रहा होगा, कोई तो कारण है, तो उस कारण पे आप सोचिए। मैं बस यही कह के अपनी बात से आगे बढ़ती हूँ। हमारे यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, थोड़ा सा महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं, अदरवाइज यूं कहेंगे कि महिला होने के नाते महिला के ऊपर एक शब्द नहीं बोला है ना, इसलिए मैं कहूंगी। मैं हरियाणा से हूँ, बेसिकली हरियाणवी आती है सबको? नहीं आती होगी, मैं हिंदी में बता देती हूँ। एक नई नई बहू आई, इतना तो समझोगे ना, मैं हिंदी में बता देती हूँ। नई नई बहू आई, ये आशीर्वाद मिलती आपके लिए। तो गरीब परिवार था, खाने पीने को कुछ होता नहीं, हम सब जानते हैं। इसमें मैं जो बताना चाह रही हूँ, मैं वाल्मीकि समाज का दर्द भी बताना चाहती हूँ, और न केवल वाल्मीकि समाज का बल्कि तमाम हमारा जो उत्पीड़ित शोषित तबका है उस सबकी टीस है इसमें, ठीक है? आप समझिए मैं आपको कहाँ पहुंचाना चाहती हूँ। तो बहू आई, और होता है कि हमारा चाहे कितना भी गरीब परिवार क्यों ना हो, शादी के टाइम कम से कम थोड़ा सा खाने पीने को मिल जाता है। और हमारे यहाँ तो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं हरियाणा से आती हूँ, हमारे यहाँ एक कल्चर बहुत अच्छी हुआ करती थी, आजकल कम होती जा रही है। हम आजकल स्टैंडर्डाइज बहुत हो गए, जैसे हम आजकल अपने जो स्टैंडर्ड के पूज देवी देवता है ना, आजकल देवता को पूछते हैं, एक लोकल देवी देवता होते हैं, एक स्टैंडर्ड के देवी देवता होते हैं। हमारा जो दलितों में उत्थान हुआ है ना, एक वर्ग में आप पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचाना चाह रही हूँ। एक वर्ग में जो उत्थान हुआ, उसने सबसे पहला काम पता है क्या किया? उसने सबसे पहला काम ये किया कि जो पुरखे जो जिनके आधार पे थोड़ा बहुत आपस में मिल बैठ के खा पी लेते थे, और आपस में ही उनके ही अपने जो देवी देवता थे लोकल मसाणी दूतनी और ये बने ना, उसमें कम से कम इकट्ठे बैठ के तो खा लेते थे, बनाते भी अपने पशु थे भाई, ज्यादा क्या होता था, पड़ोसी तो मार के खा लेते थे, तो वो उसको ही उसकी पूजा करते थे, उसको मार के खा जाते थे, कम से कम प्रोटीन न्यूट्रिएंट तो आता था, या चिकन खाओगे कुछ तो जाएगा ही ना, वैसे तो मिलता नहीं, इसी बहाने मिल जाता था। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्डाइज जो समाज हुआ, उसने सबसे पहले काम यही किया, उसने इस काम को छोड़ के वो सबसे पहले नवरात्रि का व्रत रखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड की देवी है वो वाली, वो स्टैंडर्ड की नहीं तो छोड़ दी उसने पीछे, क्योंकि उसको समझ आ गया कि अब तक को स्टैंडर्ड की है। और घर में जो पंडाल लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रात जगह जो करते हैं, क्या बोलते हैं, जगराता, जागरण, जगराता, हाँ वो भी स्टैंडर्ड का है, जगराता भी। तो स्टैंडर्ड वाले में करना शुरू किया, उसमें क्या नुकसान हुआ आपको पता है? मैं बिल्कुल एकदम जमीन से जुड़ी हुई बात कर रही हूँ, अकेडमी की बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि हम सब मेरे से ज्यादा बुद्धिमान आप लोग हैं, आप सब जानते हैं सारी बातें, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सब जानते हैं मेरे से ज्यादा, वैसे भी मैं तो संस्कृत पढ़ती हूँ तीते अंती। तो क्या हुआ कि हाँ मैं यहाँ पे आ रही थी, तो इससे नुकसान ये हुआ कि जब आपने स्टैंडर्ड के देवी देवता बनाने शुरू किए, तो स्टैंडर्ड के देवी देवता बना के आपकी ऑडियंस भी स्टैंडर्ड की बनी है। आपने तो पंडित को बिठाना शुरू कर दिया ना, वो दक्षिणा लेके जाएगा, जितने दिन भी मरेगा तब भी उम्र